dx बटा 1 माइनस tan x है, क्या करेंगे आप, यहाँ से लिखेंगे dx बटा 1 माइनस sin x बटा cos x, ठीक है, इसे चेंज कर देंगे sin x बटा cos x में, LCM लेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या लिखेंगे, ये cos x ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बाबू, cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x, ऐसे लिख सकते हैं आप। देखिए ये बेसिकली हमने 1 माइनस tan x को चेंज कर लिया साइन और कॉस में, अब इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। देखो एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से बना सकते हो, जरूरी नहीं किसी तरीके से बनाएंगे, आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम जो नीचे दिया हुआ ना वैसा सेम सेम लाएंगे, जो नीचे दिया हुआ वैसा सेम सेम लाएंगे, तो सेम सेम लाने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, समझिएगा, हम इसमें कॉस एक्स है तो हम इसमें एक बार क्या करेंगे, साइन एक्स को माइनस करेंगे और एक बार साइन एक्स को प्लस करेंगे, ठीक है, एक बार हमने साइन एक्स को प्लस कर लिया और एक बार साइन एक्स को माइनस कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, आप जो नीचे दिया हुआ ना वैसा सेम सेम सबसे पहले लाएंगे, तो हमने सबसे पहले सेम सेम लाने के लिए क्या किया, एक बार कॉस एक्स साइन एक्स को प्लस किया, एक बार साइन एक्स को माइनस किया। अब अगर हम एक बार और कॉस एक्स को प्लस कर लेते हैं, देखो तो कॉस एक्स को प्लस कर रहे हैं तो ये कॉस एक्स और कॉस एक्स जुड़ के टू कॉस एक्स हो जाएगा, टू कॉस एक्स, तो टू से नीचे डिवाइड कर दीजिए, देखिए अब सेम सेम आ जाएगा, देखिए समझिए हमने क्या क्या है, ये एक बार नीचे वाले को सेम सेम लाने के लिए एक बार साइन एक्स को प्लस किया, एक बार माइनस किया, जब साइन एक्स को एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, तो ये वाला जो साइन एक्स और साइन एक्स और प्लस साइन एक्स ये कट जाएगा, ठीक है, और एक बार कॉस एक्स को प्लस किया तो जब कॉस एक्स और कॉस एक्स जुड़ेगा तो टू कॉस एक्स हो जाएगा, टू बटा टू से टू कट जाएगा, तो फिर से यही आ जाएगा कॉस एक्स बटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इतना बटा इतना और इतना बटा इतना को अलग अलग कर लेंगे, यानी वन बाई टू cos x माइनस साइन x, ये वाला जो है पार्ट बटा cos x माइनस साइन x, और ये वाला हाफ फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस हाफ साइन x प्लस cos x, या cos x प्लस साइन x कुछ भी लिख सकते हैं आप, cos x प्लस साइन x या सिंपल साइन x प्लस cos x बटा cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x हमने अलग अलग कर लिया। देखो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमको लाना था पहले, तो ये मेरा सेम सेम होने की वजह से कट गया, और ये जो माइनस प्लस का डिफरेंस आ गया इसमें, जब नीचे वाले को जेड वाली तो ऊपर वाला आ जाएगा, इसलिए हमने उसको चेंज किया। अब यहाँ से ये तो पूरा कट चुका है, यहाँ से बचा है हाफ डी एक्स, ठीक है, और प्लस हाफ ये साइन नीचे वाले को जेड मानेंगे, ठीक है, यहाँ से जो भी बचा हुआ उसको पहले ऐसे लिख दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब नीचे वाले को जेड मानेंगे, देखिए ऊपर वाला आ जाएगा, यहाँ बनाते हैं नीचे वाले को z मान लेते हैं, इसका तो बाबू 1/2 x हो जाएगा, ये सिंपल है ना, और इसको हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं तो इसको z मान लेंगे, लेट z बराबर cos x माइनस sin x, डिफरेंशिएट कीजिए, dz बराबर cos x का क्या होता है माइनस sin x, और sin x का क्या होता है cos x, यहां से dz बटा dx, ठीक है, तो यहां से बेसिकली dz बराबर क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लेंगे sin x प्लस cos x dx, ठीक है, तो ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है इसके जगह पे लिखेंगे माइनस डी जेड, और नीचे वाले के जगह पे लिखेंगे जेड, ठीक है, और ये 1/2 x पहले से आया हुआ है 1/2 x, और इसका 1/2 जो था 1/2, ठीक है, तो ये 1/2 x तो पहले से आया हुआ बाबू, और इसका क्या हो जाएगा 1/2 log z प्लस सी, ठीक है, यानी आंसर हो गया आपका 1/2 x माइनस हाफ log, और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x प्लस c, छापिए ये क्वेश्चन।